चलिए स्टार्ट करते हैं। एक आप लोगों ने पूछा था कि औसत चाल के सारे सवाल सीट के सारे सवाल हल नहीं हो रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि औसत चाल का जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और औसत चाल का जो कॉन्सेप्ट उन्होंने आपको समझाया था वो ये समझाया था कि देखिए औसत चाल दो प्रकार के कॉन्सेप्ट लेके आता है, एक समान दूरी का और एक असमान दूरी का। समान दूरी का और असमान दूरी का लेके आता है कॉन्सेप्ट। समान दूरी में हमने आपको क्या समझाया था, समान दूरी में हमने आपको समझाया कि घर से मंदिर और मंदिर से रिटर्न कहाँ चला जाए, घर। तो एक एक्चुअल दूरी होती है कि घर से अगर मंदिर की 100 किलोमीटर है तो मंदिर से भी घर की कितनी होगी, 100 किलोमीटर। सो ऐसे क्या कहते हैं, इक्वल डिस्टेंस यानी समान दूरी। अब दूसरा है असमान दूरी, यानी जहां पे दूरियां कैसी हो रही हो, बदल रही हो। फॉर एग्जाम्पल घर से मंदिर और मंदिर से बाजार, घर से मंदिर, मंदिर से बाजार। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि दूरियां कैसी हो रही हैं, बदल रही हैं। और जब बदल जाती है दूरियां तो उनके लिए क्या कहलाता है, असमान दूरी, राइट। अब असमान दूरी हमने आपको बताया था, समान दूरी का जहां फॉर्मूला आपको होता है औसत चाल बराबर 2s1h2 upon s1 plus h2, यानी दो गुणा प्रथम चाल गुणा द्वितीय चाल बटे प्रथम चाल प्लस द्वितीय चाल, इन दोनों को ऐड करना। अब आप अगर पूछते हो कि s1 क्या है तो हमने आपको बताया प्रथम चाल, और h2 क्या है, द्वितीय चाल यानी दूसरी चाल। तो पहली चाल वो देखा घर से मंदिर जा रहे हैं इतने की चाल से, और मंदिर से घर आ रहे हैं इतने की चाल से, तो ये आपका फिलअप हो जाएगा, हो गया, सरल क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या हो जाता है, असमान दूरी भी दो डिवाइड हो जाते हैं, दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। इनके जो सवाल है वो दो प्रकार से आते हैं, एक तो आपको दूरी के साथ क्या देगा सवाल में, समय, और एक आपको दूरी के साथ क्या देगा, वो चाल, क्या देगा, चाल। तो जहां पे वो कहेगा 100 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में, 50 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में, ऐसे वो दूरी के साथ क्या देगा, समय, तो वहां का अलग सवाल। और कहेगा एक व्यक्ति 100 किलोमीटर की दूरी 50 की चाल, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 200 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो वहां पे दूरी के साथ क्या दे रहा है, चाल। पर इन दोनों ही कंडीशन में फॉर्मूला एक ही लगेगा, और वो फॉर्मूला क्या है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। अब आप फॉर्मूला को देखो जरा, कुल दूरी है और कुल समय है, तो दूरी और समय, तो जब आपका असमान दूरी में सवाल आएगा दूरी और समय वाला तो आप झट से कर लेंगे, और मैंने इसका एग्जांपल पिछली वाले वीडियो में दिया भी था। लेकिन जब दूरी के साथ चाल आ जाती है तो वो लोग जब थोड़ा पहली बार कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा समस्या आ जाए। तो करना कुछ नहीं है, दूरी और चाल दे रहा है ना, तो आपका ये वाला कॉलम तो भर जाएगा, ऊपर जो फॉर्मूला के ऊपर जो दिया गया है कुल दूरी, तो दूरियां जो दी गई होंगी उनको तो जोड़ लेंगे, लेकिन समय का नहीं आएगा। तो क्या होगा, क्या कि इसमें आपका एक फॉर्मूला और ऐड हो जाता है, कौन सा ऐड हो जाता है, आपका समय बराबर, और समय बराबर क्या लगता है, दूरी बटे चाल, कौन सा लगता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे चाल से आप क्या निकाल लो, समय, फिर दूरी बटे चाल, जितनी भी दूरी और चाल दी गई है उससे क्या निकालते जाओ, समय, और जैसी समय निकल जाएगा, दूरी पहली से थी, जो समय निकलेगा उसको जोड़ देना, और आपका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको जल्दी से समझ लेंगे हम लोग, ठीक है। अब क्या है, एक गाड़ी 60 किलोमीटर की, अच्छा ये 60 नंबर इसलिए है क्योंकि आपकी सीट का 16वां या 17वां क्वेश्चन सेम ऐसे ही है। एक गाड़ी 60 किलोमीटर की दूरी, देखो आ गया ना दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो दूरी के साथ क्या आ गया, चाल। फिर कह रहा है 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर, फिर आ गया दूरी और चाल। फिर आ गया 100 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है या जाता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करो। तो ज्ञात करनी है क्या, औसत चाल। सवाल किसका है, असमान दूरी का सवाल, उसमें असमान दूरी में भी किसका है, दूरी और समय का, या दूरी या चाल का, दूरी या चाल का। दूरी या चाल का अगर सवाल है तो मैं सबसे पहले दूरी और चाल का यूज करके क्या निकाल लेना है, समय। तो चलते हैं हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं, और इस डायग्राम में क्या लिखते हैं कि 60 किलोमीटर
जो 60 किलोमीटर दूरी गया है वो कितने की चाल से गया है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे। फिर अगली 80 किलोमीटर की दूरी किससे गया है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और अगली 100 किलोमीटर की दूरी किससे गया है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक, दूरी दूरी दूरी, चाल चाल चाल। और हमने बताया था दूरी और चाल से क्या निकाल लेना, समय। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है औसत चाल एवरेज स्पीड बराबर क्या है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो आपको जरूरी है दूरी की, तो आपने कहा कि हाँ भाई दूरी हमारे पास है 60 है, 80 है और 100 है, पर आप हमें ये बताओ कि कुल समय कहां से लाओगे, तो भाई हमारे पास समय नहीं है। तो हमने क्या बताया था, दूरी में किसका भाग देते चलो, चाल का। तो यहां पे देखो समय क्या निकल के आएगा, 60 बटे 15। तो कितना समय आ जाएगा, 15 चौको 60, तो 4 घंटे। यहां देखो समय क्या निकल के आएगा, 80 बटे 40, और 40 दूनी 80, तो 2 घंटे। और यहां देखो समय क्या निकल के आएगा, 100 बटे 50, और 50 से भाग देंगे तो कितना घंटे निकल के आ जाएगा, 2 घंटे। कितना घंटे निकल के आ गया, 2 घंटे। अब ये समय 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 तो क्या कहता है, कुल समय। तो 4 घंटे 2 घंटे 2 घंटे। अब 80, 100 और 60 को जोड़ दो, तो 8, 6, 14 यानी 140, और 100 कितना हो गया, 240। 4, 2, 6 और 2, 8 कितने घंटे हो गए, 8। और 8 का इसमें भाग दे दो, तो 8 3 24, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक, अगर आपको राइट ऑफ अगर आपको समझ में आ गया तो नोट डाउन कर लो। और अगर आप चाहते हो कि ये जो वीडियोस हैं, जो भी कुछ है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि सभी तक पहुंचे जिनका मैथ थोड़ा सा वीक है, उनके लिए आपको करना क्या है कि ठीक है, आप लोगों ने तो क्या है सब्सक्राइब कर लिया, आपको सारी वीडियो मिल रही है, पर उन तक नहीं पहुंच पा रहा है जिन तक इसे और पहुंचना चाहिए। तो आपको करना क्या है कि हर वीडियो को स्टार्ट होने से पहले, जैसे ही वो आपने क्लिक कर दिया स्टार्ट होने लगा, सबसे पहले आप उसे लाइक कर दो। लाइक करने के बाद वहां पे शेयर के भी ऑप्शन आ रहे होते हैं, तो आपको उसे शेयर कर देना। अब शेयर करने के प्लेटफॉर्म क्या है, जैसे ही आप शेयर करोगे तो वो आपसे कहेगा, अगर आप फेसबुक चलाते हो तो वो आपसे कहेगा कि शेयर फेसबुक पे करना है, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो वो कहेगा इंस्टाग्राम में शेयर करना है, अगर आप व्हाट्सएप केवल चलाते हो तो वो आपसे कहेगा व्हाट्सएप पे। तो अगर पर्टिकुलर आप चाहते हो कि क्या हाँ वो हमारा दोस्त है या वो हमारा रिश्तेदार है उस तक ये पहुंचना है, तो उसके नंबर पे। और अगर आप चाहते हो कि सभी तक ये वीडियो पहुंचे, तो आप उसे अपने स्टेटस पे भी लगा सकते हो। तो ओवरऑल केवल अपना नहीं, सबका देखना है कि भाई हाँ सबको फायदा पहुंचा इस वीडियो से, तो आपको ये सब वर्क करना है। और आप नोट डाउन कर लीजिए।